रणबीर और दीपिका, ये जवानी है दीवानी, बचना है हसीनों, और अब तमाशा में साथ दिखाई देने वाले हैं। जब आप दोनों ने साथ में पहली फिल्म की थी, उसके बाद से लेके आज तक आपको क्या लगता है, दीपिका में कुछ बदलाव आया, चेंजेस आए कुछ? भाजी बहुत बदलाव आया है। मैंने बहुत कुछ कहा है इनकी एक्टिंग के बारे में, पूरी दुनिया कहती है इनकी एक्टिंग के बारे में, ये कैसी लड़की है, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। बट आई थिंक ये जो 8 साल की जो जर्नी है दीपिका और मेरी, एक बहुत खास बात मुझे अभी दिखती है कि जहाँ भी दीपिका जाती है, जब दीपिका मैं सेट पे मिलता हूँ, उन्हें प्रमोशन के लिए मिलता हूँ, या कहीं यू नो काम के बाहर भी मिलता हूँ, उनके इर्द गिर्द एक नूर आ चुका है, यू नो एक जैसा एक ऑरा होता है जी। जैसे हम शाहरुख सर की देखते हैं या सलमान खान की देखते हैं, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, वो भी नजर आता है। दीपिका, एक चीज जो आपको रणबीर में बुरी लगती है? आई थिंक इन अ वे ये अच्छी बात भी है, पर मैं चाहूंगी कि ये और ज्यादा एक्सप्रेस करे अपने आप को। मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, या इनफैक्ट किसी के साथ शायद नहीं करते होंगे। जो भी इनके मन में है, जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, बहुत अपने पास रखते हैं, वो शेयर नहीं करते, तो कभी समझ में नहीं आता कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि ये और थोड़ा एक्सप्रेस करे। रणबीर ने हाल ही में कहीं पे तो कहा था कि मैं अपने कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन आप इनकी कोई भी फिल्म देख लो, वेकअप सिद्ध देख लो, चाहे अभी ये कॉलेज गए नहीं, नहीं नहीं, नहीं। पोल स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों को, कॉलेज स्कूल और कॉलेज दोनों गए तो कॉलेज के दिनों को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप वेकअप सिद्ध देख लो, अभी तमाशा देख लो, काफी सारी फिल्मों में ये कॉलेज में जाते हैं और लड़कियों को भी घुमाते हैं, तो इतने चांस तो कॉलेज में भी नहीं मिलते हैं, तो क्या कॉलेज का फिर क्या कैंटीन मिस करते हैं आप? मैं एक्चुअली कॉलेज में आई गेस मैं अपने केमिस्ट्री टीचर को बहुत मिस करता हूं। मतलब केमिस्ट्री आपको पसंद थी? नहीं, केमिस्ट्री टीचर की फिजिक्स बहुत पसंद थी मुझे। पर छोड़ो हिस्ट्री में कहां जाना। मैं आपको बात बता दूं पाजी, एक रणबीर कपूर खानदान के इकलौते ऐसे चिराग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैट्रिक पास कर ली थी। है? हाँ, तालियां तालियां बोल रही। क्या हुआ था पाजी? क्या आई थिंक मार्क्स भी बोल दो। छोड़ो कल की बात है। बट मुझे लगता है कि वो केमिस्ट्री टीचर को मेरे ज्योग्राफी पसंद आ गई थी, इसलिए उसने मुझे पास करा दिया। दीपिका जिस फिल्म को हाथ लगाती हैं वो फिल्म हिट हो जाती है, तो आप तो लकी मैस्केट हैं ही सबकी, आप एक लकी गर्ल हैं, आपको क्या लगता है आपके लिए लकी कौन है? मेरा नाम मत लेना, मुझे नजर लग जाती है। जब से मैं शो पर आने लगी हूं ना, मेरी हर फिल्म हिट होती है। तो मैं क्या बोलूं? आपको पता है अभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ऋषि सर बड़े एक्टिव रहते हैं, उनको किसी लड़की ने मैसेज किया कि ओ सर कैन यू प्लीज पास मी मैसेज टू रणबीर, उन्होंने आगे लिख दिया कहता है आई एम नॉट लेटर बॉक्स फॉर रणबीर कपूर। व्हाट डू यू थिंक रणबीर, इज ही जेलस? हाँ मुझे लगता है। आई थिंक जब पापा 25 साल से यू नो लीड हीरो थे, तो उस वक्त ये सोशल नेटवर्किंग था नहीं ना। जी जी, तो अभी आ गया है, तो शायद अभी वो ट्राई कर रहे हैं। पाजी आपने कभी नोटिस किया है? हाँ। रणबीर के जो पापा हैं ऋषि सर, वो फिल्मों में जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सरगम में जब उन्होंने डफली बजाई, या बड़ी सारी फिल्मों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जब वो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं ऐसा लगता है वो इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के लिए बना है। ये बात मैंने उनको भी बोली थी। सेम रणबीर किसी भी हीरोइन को पकड़ते हैं ऐसा लगता है इन्हीं के लिए बनी है। तो भाई ये जो पकड़म पकड़ाई वाला सीन है, ये मतलब आपका टैलेंट है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है? आई थिंक जब हमारे परिवार में जब लड़का पैदा होता है जी, तो आई थिंक सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि बधाई रोमांटिक हीरो पैदा हुआ है। क्या बात है, ये तो सच है। क्या बात है। तो मतलब रोमांस इनबॉर्न है। माँ के पेट से ट्यूशन देके हम निकलते हैं। ओह, फॉरेन स्टफ। अच्छा देख लो, लड़कियां चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन, चुगलियां करने से नहीं हटती। अच्छा, उनको समझ कुछ नहीं आया पर धास रही है, तारियां बजा रही है। उनको समझ में आया ना, हमें कौन सा समझ आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है।
वेलकम टू ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल लेडीज. टू गुड यार. सो इनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ. वी ऑल वेलकम यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अवर हार्ट इन अवर शो. कमाल कमाल. Brilliant. गाल मिल्की मिल्की बाल सिल्की सिल्की ये तो वन, चलती फिरती वनीला आइसक्रीम. अंग्रेजी में चुगलियां ये समझती है. हैं? What you just said, baby? Мы сказали, что вы нам тоже очень нравитесь. Seriously? He loves you too. We are really happy to be here. Well, which language do you prefer? Oh, you can hug me also. Cup. Anand. What's a good name, beautiful lady? My name is Anna. 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 Anna, kabhi dur mat jana. Hame to chahiye tumhe dekhne ka bahana. Anna. And мы тоже сейчас начнем говорить по-русски, вы вряд ли что-то поймете. Поняли? Я вижу, что явно поняли. Not Давайте. In front of so many people. Мы можем спеть еще, например. What is... What is your name? My name is Comedy Nights. Comedy Nights. And Kapil is the show. It's you. Wow. And you didn't tell me your name. No. Shimla Mirch? Yeah. You didn't tell me your name. Namaste. 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 My name is Sayora. Sayora, Saya. You have a very nice aura. Sayora. And yours? My name is Olga. Olga. Olala. 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 Anyways. I hope you all are having a good time here. Oh yes. ये कौन है साथ में देसी विजय माल्या साहब? Sorry. Okay, I want to ask you something. Whenever three girls are sitting together, what type of conversation you want to have? About you. ऐसा ना कहो मैं मर जाना है. भगवान आपका भला करे. खूबसूरत रहो ऐसे. गॉड ब्लेस यू. Очень приятно. Правда, я тоже так думаю. Мне кажется, что ты. Сонна костра. Вау. Вау. Какие были? Сонна костра, чахе истра, чахе остра. Копил, да не выкопил. На все потратил денежки, да, и пусть копит дальше. Копил. Фостро.